तो फ्रेंड्स, ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी में ओमपुरी सर रहते थे। देखिए पर है तो इसी में वो रहते थे। देखिए आप लोग उधर त्रिशूल 1 लिखा हुआ दिखाएं, देखिए यहाँ पे त्रिशूल 2 लिखा हुआ, ये देखिए, देखिए ये त्रिशूल 2 लिखा हुआ है और इसी त्रिशूल 2 में वो रहते थे। अभी उनके बेटे और उनकी वाइफ यहीं पे रहती हैं। अभी वहाँ पे सिक्योरिटी वाले एक अंकल थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड देखिए अभी हम हैं मुंबई के वर्सोवा इलाके में और आज आप लोग को ऐसे शख्स का घर दिखाने वाले हैं जिसको लोग मतलब अमरीश पुरी का भाई समझते थे। आप लोग अब समझ चुके होंगे, आप लोग मूवी देखे होंगे नरसिम्हा, जिसमें उन्होंने बाप जी का रोल किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं ओमपुरी सर की। तो चलिए आज आप लोग को ओमपुरी सर का घर दिखाते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब किया, ऐसे बहुत सारी मूवी है उनका, त्रिदेव देखिए, त्रिशूल देखिए, बहुत सारी ऐसी मूवी है जो कि उन्होंने सुपर डुपर हिट किया था और अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। तो चलिए आप लोग को उनका घर दिखाते हैं, वो कहाँ पे रहते थे और उनके घर का जहाँ पे रहते थे उनका उस घर का नाम भी है त्रिशूल 2। तो चलिए हमारे चैनल पर नए जो सब्सक्राइब कीजिए, चलिए आप लोग को दिखाते हैं उनका घर और उनका पूरी जानकारी देंगे, उनका नेटवर्क, उनका क्या था, उनके घर में भी कौन कौन रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग को उनके घर के पास, सीधा बने रहिए ब्लॉक के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप लोग को रोड दिख रहा है ये है जुहू वर्सोवा लिंक रोड। इसी लिंक रोड से हम लोग लेफ्ट हो जाएंगे और वहीं पे आप लोग को मिल जाएगा ओमपुरी सर का घर। उनके अपार्टमेंट का नाम है त्रिशूल 2। तो चलिए इधर मुड़ते हैं और मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे ही उनका रूम है, घर है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं इसी में ओमपुरी सर रहते थे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है त्रिशूल, तो इसी बिल्डिंग में वो रहते थे। और यहाँ देखिए बिल्डिंग का नाम भी है त्रिशूल। तो देखिए अभी इसमें काम चल रहा है और आप लोग को बता दें ओमपुरी सर के बारे में बता देते हैं। ओमपुरी सर को बहुत लोग जानते थे और वो सोचते थे कि अमरीश पुरी सर का वो भाई हैं। जी वो ऐसा कुछ नहीं है, वो अमरीश पुरी सर के भाई नहीं है। देखिए इसी अपार्टमेंट में वो रहते थे। तो चलिए आप लोग थोड़ा इस घर का व्यू आप लोग को थोड़ा आगे से दिखाते हैं। देखिए इन्हीं के घर के जस्ट आगे में यहाँ पे एक पार्क है, तो चलिए इनके बारे में कुछ कुछ बताते हैं। और देखिए ये जो तुलसी लिखा हुआ है यहीं पे वो रहते थे। चलिए देखिए आप लोग उधर त्रिशूल 1 लिखा हुआ दिखाएं, देखिए यहाँ पे त्रिशूल 2 लिखा हुआ, ये देखिए, देखिए ये त्रिशूल 2 लिखा हुआ है और इसी त्रिशूल 2 में वो रहते थे। अभी वहाँ पे एक सिक्योरिटी वाले अंकल बताए हैं। और देखिए इस पूरी बिल्डिंग में बांस लगा हुआ, अभी यहाँ पे काम कुछ चल रहा है। बोला गया है कि इसको तोड़ के मतलब इसका कुछ डिजाइन दूसरे तरह का बनाया जा रहा है इसको। देखिए यहाँ पे त्रिशूल 2 लिखा हुआ है ना, यही है वो उनका जगह। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बिल्डिंग है फ्रेंड्स और यहीं पे वो रहते थे। देखिए और बिल्कुल ये मेन हाईवे है इधर से और सामने है उनका घर। आइए आप लोग को थोड़ा और आगे इस तरफ व्यू दिखाते हैं। देखिए देखिए पूरी एकदम बताया गया कि उनके बेटे और उनकी वाइफ यहीं पे रहती हैं। अभी वहाँ पे सिक्योरिटी वाले एक अंकल थे, वही बताया कि यहीं पे वो रहते हैं। देखिए पूरी बिल्डिंग में अभी काम चल रहा है, पूरी बिल्डिंग अभी पूरे बांस बना हुआ, देखिए बांस बना हुआ है पूरी बिल्डिंग में। और बताया गया कि इसको अभी तोड़ के एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, एक नया डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है इसमें। तो चलिए आप लोग को इनका घर दिखा दिए अमरीश पुरी सर का, तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को बता दें ओम पुरी सर का पूरा नाम ओम प्रकाश पुरी था और इनका जन्म 18 अक्टूबर 1950 ईस्वी को पंजाब के अंबाला में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 2017 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था। और ये पेशे से एक्टर थे और इनकी दो पत्नी थी, एक सीमा कपूर, एक नंदिता पुरी थी। इनके एक बच्चे हैं और इनके अवार्ड की बात करें तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड 1990 में मिला था। और इनके फिल्म की बात करें तो आक्रोश, आरोहण, अर्धसत्या जैसी टेली फिल्म में इन्होंने काम किया। इसके बाद चाची 420, माई सन ऑफ द फैंटास्टिक, ऐसे बहुत सारी मूवी है, नरसिम्हा जिनमें आप लोग देखे होंगे सनी देओल, और ये बाप जी का रोल किए हैं। और इनकी और फिल्मों की बात करें तो मालामाल वीकली, डर्टी पिक्चर, वेस्ट वेस्ट, बजरंगी भाईजान, डॉन, ट्यूबलाइट, घायल जैसी फिल्मों में इन्होंने मेन जो विलन का रोल होता है, ऐसे फिल्मों में इन्होंने विलन का रोल करके फिल्म को सुपर डुपर हिट किया था। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा नरसिम्हा, जिसमें इन्होंने डायलॉग बोला था, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना जमीन, ना आसमान, मुझे कोई नहीं मार सकता। और इनका नेटवर्थ लगभग $20 मिलियन था। और इनके मृत्यु का कारण ये था कि ये भी हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे एक भैया बैठे हुए थे, वो बताएं कि यहाँ से जो ये 7वां फ्लोर है ना, उसी में वो रहते थे। हमको जानकारी नहीं था लेकिन भैया बताएं हमको, देखे वीडियो बनाते हुए तो बुलाएं हमको, बोला क्या बात है, बोले ओमपुरी सर का घर का देखना चाहते, बताए वो 7वें महले पे है। देखिए आपका महला इधर ऊपर है, तो इसी में वो रहते थे। जो है ना इस घर में जो काम चल रहा है, इस कारण से उनकी वाइफ और उनका बेटा वो अभी लोखंडवाला में शिफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए अभी आप लोग को दिखा दिए इनका घर और भैया को बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं जो आप बता दिए वो किस फ्लैट में रहते हैं। तो चलिए हमारे गांव से देख रहे हैं तो दिल से सपोर्ट कीजिए और सुल्तानगंज देख रहे हैं दिल खोल के सपोर्ट कीजिए।
और बिहार भागलपुर से देख रहे हैं, तो जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए और आप अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए। और हो सके फ्रेंड्स तो इस भाई के लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें मोटिवेट मिलेगा और आप लोग को अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। और हाँ फ्रेंड्स, नीचे हमारा इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा है, उसे आप फॉलो कर लीजिएगा। ओम पुरी सर के घर के लिए एक कॉमेंट जबरदस्त वाला जरूर। जय हिंद, बाय।